हाँ जी बोलिए जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी वीर जी, सत्री अकाल जी। नाम बताओ जी अपना पहले। मेरा नाम गुरिंदर सिंह जी। हाँ जी एड्रेस? एड्रेस मलौर रोडियां जी। मलौर डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? लुधियाना जी। लुधियाना। तो कितने जानवर लेके आए हो? जानवर अभी तक तो एक लेके आए। एक ही घोड़ा लेके आए अभी तक? तो इसके बारे में बताइए, क्या नाम है घोड़े का? इसका मैरी बोना जी। मैरी बोना। हाँ जी। ये नाम कैसे रखा? इंग्लिश नाम है थोड़ा। बात सुनी, शौक से ही जी। शौक से ही? कहीं लग गया जी, जैसे कोई सजेस्ट होता भाई मेरा ये नाम रखना है, कहीं से तो सजेस्ट हुआ आपका ये नाम? हाँ जी हाँ जी, सानू बढ़िया लग्या जी। बढ़िया लग्या। तो जो मैरी बोना छोटा भाई है जी, मेरा भाई कुलवीर। अच्छा। हाँ जी, उन्हें नाम रखा जी, उन्हें नाम रखा है। तो कितने सालों से शौक आपको घोड़े रखने का? सानू का शौक था छोटे होंदे, छोटे से ही है। तो जो आपको फिर तो एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा ही होगा। हाँ जी। तो जो सबसे बेस्ट लाइन है कौन सी लाइन मानते हो? मज्जू की लाइन। सबसे बेस्ट लाइन मानते हो मज्जू के? किन्नार का सोंब। अच्छा। एक मजबूती जान जी, जड़ी आप पंजाबी गल कर लेने है नहीं, तो मजबूती होती है मज्जू के लाइन में। मजबूत जान जी घोड़ा है, बेस्ट मारवाड़ जाते हैं जी ये। अच्छा, जो प्राइस वगैरह क्या होते हैं मज्जू के लाइन के? फिर भी नॉर्मली जैसे बड़े घोड़े के 7-7 लाख रुपये तो छोटा बच्चा तैयार होता जी। महंगा होता है मेरे ख्याल से मज़ूक के लाइन। तो जो इस घोड़े की अपन आई टू वगैरह क्या है आपकी? यदि 65.5 है। 65। और उम्र? उम्र यदि लगभग 6.25 साल है। 6.25 साल। तो मेले में आप जगह रहा हूँ, किस लिए लेके आए हो? शो खातरे जी। बेचने वगैरह कोई प्रोग्राम? ना। अच्छा जी। और मीटिंग वगैरह करवाते हो? क्या फीस रख रखी है? 11,000 रुपये फीस रख रखी है। वैसे स्टड फार्म पे और भी घोड़े आपके? हाँ जी। क्या नाम फार्म का? सोमल स्टड फार्म जी। सोमल स्टड फार्म। वो देख लिया ट्रैक्टर, वो आ गया मैं कहना। वो मुंडा आ गया जरा टेंपू चला थोड़े को, मगा मुंडा नहीं जरा टेंपू चला के लिया थोड़े को आ गया। अरे मेरी भाई।